जो पार्टी तय करेगी ये बयान शिवराज सिंह चौहान न जाने कब से देते आ रहे हैं। और विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद जब मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब से लेकर आज यानी 19 दिसंबर को दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यही कहते सुनाई दिए कि उनका भविष्य तो अब पार्टी ही तय करेगी। शिवराज सिंह से जब ये सवाल पूछा गया कि वो राज्य में सक्रिय रहेंगे या दिल्ली आएंगे, तो उन्होंने क्या कहा सुनिए। पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो भूमिका पार्टी तय करेगी वो काम मैं करूंगा। केंद्रीय भूमिका में रहेंगे या राज्य की भूमिका में रहेंगे? जो पार्टी तय करेगी हम राज्य में भी रहेंगे, केंद्र में भी रहेंगे। इतना ही नहीं, शिवराज ने एक और बयान दिया जिसे सुनकर राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा होने लगी है कि आखिर बीजेपी शिवराज को लेकर क्या सोच रही है। अभी तो इस यात्रा में कुछ जगह मुझे जाने को कहा जाएगा और मैं दक्षिण के राज्यों में जाऊंगा। अब यहाँ सवाल यही उठ रहा है कि आखिर शिवराज दक्षिण के राज्यों में जाकर बीजेपी के लिए किस तरह से काम करेंगे। दक्षिण के राज्यों में बीजेपी की उतनी पैठ नहीं मानी जाती जितनी कि हिंदी भाषी राज्यों या यूं कहें कि उत्तर भारत के राज्यों में है।